नमस्कार, स्वागत है आपका कान्हा कंपटीशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल कान्हा क्लासेज मालपुरा पर। तो हम बात कर रहे थे राजस्थान की कला एवं संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं की। तो पिछले भागों में हमने राजस्थान के पंच पीरों की बात की, अब हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक देवता वीर तेजाजी के बारे में। वीर तेजाजी के बारे में हम बात करते हैं, पहली बात, वीर तेजाजी पंच पीरों में से नहीं थे। अब वीर तेजाजी को देखो, हम बात जो करेंगे उसको एक नक्शे के द्वारा समझेंगे। नक्शे के द्वारा समझेंगे तो पहले दो जिले मुख्य है, एक तो नागौर और दूसरा है अजमेर। दो जिले तेजाजी की अगर पूरी जीवनी को समझना है तो दो जिले मुख्य है। नागौर जिले में इनका जन्म हुआ था, और जन्म कहां हुआ, खड़नाल गांव। खड़नाल गांव में जन्म हुआ 1074 ईस्वी। 1074 ईस्वी तिथि क्या थी, माघ शुक्ल चतुर्दशी। यहां पर इनका जन्म हुआ तो परिवार भी यहीं का था। तो इनका परिवार के बारे में हम बात करें, इनके पिता का नाम था ताहड़ जी। पिता का नाम क्या था, ताहड़ जी। माता राम कुंवरी या इसी को कहा जाता है राजकुंवरी। बहन थी इनकी राजलबाई, बहन का नाम राजलबाई, और इनके गुरु का नाम था मंगलनाथ। गुरु का नाम क्या था, मंगल ना। आपने एक भजन सुना होगा इनका, गाजियो गाजियो जेठ आषाढ़ कंवर तेजा हो, लगतोड़ो गाजियो सावन भादवो। तो हुआ क्या, ज्येष्ठ आषाढ़ सावन का समय था, बारिश हो चुकी थी। तो इनकी माँ ने कहा, बोले तेजा अब खेतों में जा और हल चला। तो तेजाजी महाराज खेत पे हल चलाने के लिए गए। अब जो जनश्रुति की जो एक कहानी, उस कहानी के अनुसार हम चलेंगे। तो कहानी ये है कि तेजाजी महाराज हल चलाने खेत पे गए। अब खेत में क्या है कि दोपहर में घर की औरतें वहां खाना लेके जाया करती थी। लेकिन जब तेजाजी हल चलाने खेत में गए तो इनकी भाभी का ये काम था कि इनको खाना पकड़ाए। लेकिन भाभी घर के काम में इतनी लेट हो गई कि वो लगभग पहुंचते पहुंचते उसको शाम का समय हो गया। और जब शाम का समय हुआ तब तक तेजाजी आप भूख से बेहाल थे, तो इनको गुस्सा आ गया। गुस्सा आने के बाद जो ही भाभी खेत पे गई तो इन्होंने कुछ बातें कह दी भाभी को कि ये भोजन फेंक दे, मैं नहीं खाऊंगा। इस प्रकार की जब इन्होंने क्रोध में आके कुछ बातें कही तो भाभी ने कहा, बोले तुम मेरे ऊपर क्या बात कर रहे हो, अपनी जो पत्नी है वो बेटी है पनेर अजमेर में, उसको लाओ और अपनी सेवा करवा लो। ये बात कहते ही तेजाजी महाराज सीधे आ गए घर। कहां आ गए, घर। और घर आने के बाद इनकी जो घोड़ी थी लीलण, क्या नाम था घोड़ी का, लीलण, या इसी को कहते हैं सिणगारी। लीलण पे सवार होके ये जाने लगे। तब कहते हैं कि ऐसा एक कोई अपशकुन हो गया जिसके बारे में जब एक पंडित को पूछा गया तो पंडित जी ने कहा, बोले तेजाजी वापस नहीं आएंगी। तो तेजाजी को रोकने की काफी प्रयास किए गए, लेकिन तेजाजी रुके नहीं और खड़नाल गांव से कहां पर आ गए, अजमेर जिले में पनेर गांव। अब पनेर गांव को हम समझते हैं, पनेर गांव में था इनका ससुराल। पनेर गांव में क्या था, ससुराल। ससुराल इनकी पत्नी का नाम था पेमल दे, या क्या थी इनकी पत्नी, और पनेर गांव के ही है रायचंद्र जी, डॉटर ऑफ रायचंद्र। पनेर गांव के रायचंद्र जी की पुत्री थी पेमल दे, ये तेजाजी की पत्नी थी। अब तेजाजी यहां पर आ तो गए, लेकिन जो ही तेजाजी घर में प्रवेश किए, इनकी सासू जो थी वो गाय का दूध निकाल रही थी। अब घोड़ी की टापों से गाय चमक गई, और गाय चमकने से उसको जो पूरा दूध था वो नीचे गिर गया। तो यहां पर सासू ने कोई ताना मार दिया इनको। जब ताना मारा तो तेजाजी बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति थे, तो स्वाभिमानी व्यक्ति वापस घूम गए, वो अपमान हो गया यहां पर। अब ये बात पता चली किसको, पेमल दे को, कि तेजाजी आए थे और ये बात वहां पर हो गई। पेमल दे इसके पीछे पीछे आई, तेजाजी को मनाने का खूब प्रयास किया, लेकिन तेजाजी नहीं माने।
तो इसी पनेर में पेमल देखी एक सहेली थी लाचा गुजरी। सहेली कौन सी थी? लाचा गुजरी। लाचा गुजरी, तो लाचा गुजरी को पेमल ने कहा, बोले तू मना, तो लाचा गुजरी ने तेजाजी को मना तो लिया, लेकिन तेजाजी ये कहे कि मैं तेरे घर रुकूंगा क्योंकि यहां पर तो मेरा अपमान हुआ है। तो चलो ठीक है, तेजाजी लाचा गुजरी के घर रुक गए। अब वहां पर घटनाक्रम यह हुआ कि मेर जो कि सिरोही में है, मेर वर्तमान में कहां पर है? सिरोही। यहां के मीणाओं ने लाचा गुजरी की गायें चोरी कर। अब जब ये बात तेजाजी को पता चली तो तेजाजी ने कहा, बोले देख मैं यहां रात्रि विश्राम किया है, मैंने तेरे घर का नमक खाया है, भोजन किया है, तो तेरी गायों को छुड़ा के मैं लेके आऊंगा। तो तेजाजी महाराज पनेर से चले मेर के मीणाओं का पीछा करने, और इनके मीणाओं के और तेजाजी महाराज के बीच में लड़ाई कहां पर हुई? लड़ाई ये गांव है मंडावलिया या इसी को बोलते हैं मंडावरिया, ये अजमेर में ही है। यहां पर लड़ाई हुई तेजाजी और मेर के मीणाओं में। जब यहां पर लड़ाई हुई तो तेजाजी सारी गायें छुड़वा कर तो पनेर ले आए, लेकिन यहां पर आने के बाद लाचा गुजरी ने कहा, बोले एक बछड़ा रह गया। अब तेजाजी वचनबद्ध थे कि सभी को लेके आऊंगा। तो तेजाजी महाराज वापस जा रहे थे तब एक बीच में जगह आती है सेंदरिया। सेंदरिया ये वर्तमान ब्यावर अजमेर में है। ब्यावर अजमेर, यहां पर क्या हुआ, एक अग्नि जल रही थी साइड में और उस जगह एक नाग उस अग्नि में प्रवेश कर रहा था। तो तेजाजी महाराज यहां से उस बछड़े को लेने जा रहे थे, तेजाजी महाराज ने उस अपने भाले से उस नाग को उस अग्नि से बाहर निकाल दिया। तब नाग ने उन्हें नाग क्रोधित हो गया, नाग ने कहा, बोले मैं स्वर्ग जा रहा था, मेरी ये योनि छूट रही थी और तूने वापस मुझे नाग योनि में ही रख दिया। कहते हैं नाग योनि बड़ी खराब मानी जाती कि उसको जीवन भर पेट के बल ही चलना रहता है। तो नाग ने जब नाग को जब क्रोधित हुआ नाग, तेजाजी महाराज ने कहा, बोले तो मैंने तेरी जान बचाई और उल्टा तो मुझे डांट रहा है। तो नाग ने कहा, बोले ये मेरी योनि छूट रही थी, आज मुझे 1000 वर्ष हो गए। इच्छाधारी नाग बताया जाता है वो, कि 1000 वर्ष हो गए मैं स्वर्ग जा रहा था, ऐसी कुछ यहाँ पर बात हुई। तो तेजाजी महाराज ने कहा, बोले ठीक है मैं तेरे को वचन देता हूँ, तू मुझे डसेगा तो मैं तेरे को वचन देता हूँ कि मेरे को एक बछड़ा रह गया पीछे, मैं पहले एक वचनबद्ध हूँ, वो वचन पूरा कर लेने दे, उसके बाद मैं तेरे पास आऊंगा, उसके बाद तू मुझे डस लेना। तो यहां पर तेजाजी महाराज ने जो वचन दिया, क्या दिया वचन, किसको दिया? वासंग नाग को। वासंग नाग को वचन दिया, और वचन देके ये कहां पर आ गए? वापस मंडावलिया स्थान पर, और यहां से गाय का बछड़ा लिया, बछड़े को छुड़ा के लाचा गुजरी को सौंपा और वापस कहां आ गए? सेंदरिया। अब ये चीज ध्यान रखना, तेजाजी को नाग ने कहां डसा था? तो सेंदरिया गांव में नाग ने डसा। अब सेंदरिया गांव में नाग वैसे मना कर दिया, बताए उसने जाते कि मैं तुझे नहीं डसूंगा, तेरी परीक्षा ले रहा था, लेकिन तेजाजी ने कहा, बोले मैं वचनबद्ध हूं, तुझे डसना पड़ेगा। तो नाग ने दूसरा बहाना मारा कि तेरे पूरे शरीर पे घाव है, मैं कहां डसूंगा। तब तेजाजी ने कहा, बोले मेरी जीभ सुरक्षित है, तू वहां डस ले। और नाग ने तेजाजी को किस पे डसा? जीभ पर। अब सेंदरिया गांव में नाग ने तेजाजी को डस लिया। अब तेजाजी वहां से वापस लीलन पर सवार होकर आ रहे थे, गांव आता है एक सुरसुरा, और यह है वर्तमान किशनगढ़ अजमेर में। यहां पर हुई तेजाजी की मृत्यु। तेजाजी की क्या हुई यहां पर? मृत्यु। ये चीज ध्यान रखना, जन्म खड़नाल गांव नागौर में हुआ, ससुराल पनेर था, पत्नी को लेने ससुराल गए, वहां पर कोई बात हुई, लाचा गुजरी की गायें मीणा ले गए, फिर मीणाओं से संघर्ष किया, गायें बचाई, नाग को वचन दिया, सेंदरिया गांव में नाग ने डसा था, और सुरसुरा गांव में तेजाजी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात इनकी मृत्यु का समाचार इनके घर किसने पहुंचाया था? लीलन ने। इनकी जो घोड़ी थी लीलन ने मृत्यु का
समाचार घर पहुंचाया। ये पूछा गया है प्रश्न, तेजाजी की मृत्यु का समाचार किसने घर पहुंचाया था? तो ध्यान रखना, लीलण जो इनकी घोड़ी थी, ये तेजाजी का पूरा जीवन परिचय। अब हम बात करेंगे तेजाजी के प्रमुख मंदिर कहां पर है। तो देखो, तेजाजी के प्रमुख मंदिरों की बात करें तो पहला इनका जन्म कहां हुआ? खड़नाल नागौर, तेजाजी के मंदिर, एक मंदिर तो यहां पर। दूसरा, इनको नाग ने कहां डसा? सेंदरिया, और ये सेंदरिया है अजमेर में, सेंदरिया अजमेर। तीसरा, इनकी मृत्यु कहां हुई? सुरसुरा, और ये है अजमेर में। चौथा, राजस्थान में सबसे बड़ा वीर तेजाजी पशु मेला कहां लगता है? पशु मेला लगता है पर्वतसर नागौर, और ये है इनका मुख्य मंदिर। अब आप कहोगे कि यहां पर तो कोई ऐसा घटनाक्रम ही नहीं हुआ, तो मुख्य मंदिर यहां कैसे आया? तो होता क्या है, जैसल जोधपुर के मारवाड़ के शासक थे अभय सिंह, कहां के थे? जोधपुर के शासक थे। ये अभय सिंह वही है जिन्होंने खेजड़ली गांव में खेजड़ी वृक्ष काटने का आदेश दिया था और चिपको आंदोलन अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में हुआ था। तो अभय सिंह के समय में पर्वतसर के हाकिम, उन्होंने क्या किया, सुरसुरा जो इनका मुख्य मंदिर था जहां मृत्यु हुई थी, वहां से मूर्ति लाके सुरसुरा की मूर्ति को कहां स्थापित कर दिया? पर्वतसर नागौर में। और तभी से इनका जो मुख्य मंदिर वो कहां हुआ? पर्वतसर नागौर। इसके अलावा एक स्थान और है, बांसी दुगारी, यानी तेजाजी का कर्म स्थली पहुंच ले तो ये है बूंदी जिले में। बांसी दुगारी कहां पर है? बूंदी जिले में। ये तेजाजी के प्रमुख मंदिर है। इसके अलावा हम बात करें तेजाजी का मेला, तो तेजाजी का मेला लगता है, तेजादशमी कब आती है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को, और इसी दिन इनका मेला लगता है तेजाजी का। तेजाजी के उपनाम, गायों की रक्षा के लिए प्राण दिए तो गौ रक्षक देवता। वचनों की वचनबद्धता के चलते नाग से डसवाया तो वचन पालक देवता। नाग ने वचन नाग को दिया, नाग ने डसा तो नागों के देवता। नाग ने वरदान भी दिया था कि जहां जब भी कोई मेरा नाग किसी को डसेगा तो उसका इलाज तेरे थान पे हो जाएगा, तो नागों के देवता। और काला बाला के देवता। कृषक परिवार में जन्म हुआ तो कृषि कार्यों के उपकारक देवता, कृषि कार्यों के उपकारक देवता। 2011 में तेजाजी पर ₹5 का डाक टिकट जारी हुआ था। 2011 में ₹5 का डाक टिकट जारी हुआ था। किन पर? तेजाजी पर। तेजाजी के जो गीत है उनको कहा जाता है तेजा टेर, यानी तेजाजी के लोक गीत। यानी कृषक जब अपने खेत में हल जोतता है तब वो क्या गाता है? तेजा टेर। और बांधता क्या है? गोगा राखड़ी। तो ये हो गए उपनाम तेजा
टेर। मेरा लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को प्रमुख मंदिर है करनाल सेंदरिया सुरसुरा पर्वतसर। करनाल जन्म नागौर में हुआ था, पर्वतसर नागौर में, सेंदरिया सुरसुरा अजमेर में। इनके जो खुले चबूतरे पे जो स्थान होता है उसको बोलते हैं थान, यानी खुले चबूतरे पर, खुले चबूतरे पर मंदिर, उसको क्या बोलते हैं, तेजा जी का थान। तेजा टेक तेजा जी के लोकगीत, खुले चबूतरे पर जो मंदिर होते हैं क्या कहा जाता है, तेजा जी के थान। इसके अलावा एक है तेजा चौक, तेजा चौक ये कहां पर है, ब्यावर अजमेर, ब्यावर अजमेर में। तेजा जी का जन्म कहां है, तेजा जी का जन्म किस गोत्र में हुआ था, धोलिया गोत्र में, इसलिए इनको कहा जाता है धोलिया वीर, यानी जाटों में धोलिया गोत्र में। अब जाट जाति में इनका जन्म हुआ तो प्रमुख उपासक जो होंगे वो किनके आराध्य देव, एक तो जाट जाति की, दूसरा एक आदिवासी जनजाति है सहरिया, सहरिया, और ये इन दोनों के आराध्य देव है, आराध्य देव कौन, तेजाजी महाराज। तो ये हमने लगभग लगभग तेजाजी की संपूर्ण बातें कर ली है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।